बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईद उल अज़हा पर छुट्टियों के हवाले से कि सरकारी मुलाज़मीन को इस दफ़ा कितनी छुट्टियाँ मिलने जा रही हैं। सुबह सुबह एक मेरे सामने नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पर गर्दश करता हुआ नज़र आया कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि 21, 22 और 23 तारीख तक जो 3 छुट्टियां हैं वो सरकारी मुलाजमीन को इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन वो नोटिफिकेशन मेरी नज़र में तो फेक लगता है, क्योंकि 12 बजे आज काबीना का इजलास होना था, उसमें मंजूरी होनी थी छुट्टियों के हवाले से। तो इसलिए अब जो वाकई काबीना का इजलास ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है फवाद चौधरी की जानिब से, तो उसके उन्होंने क्या कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ेरे सदारत आज जो वफाकी काबीना का इजलास में ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मुल्क में आलमी वबाओ करोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 5 छुट्टियों की तजवीज़ दी थी, लेकिन काबीना ने सिर्फ 3 छुट्टियों की मंजूरी दी है। फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी काबीना ने ईद उल अज़हा पर 20, 21 और 22 जुलाई की आम तातीलात की मंजूरी दे दी गई है और अनकरीब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और इससे पहले जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियों से पहले एक का दिन जो सोमवार का दिन आ रहा है, अगर देखा जाए तो 3 छुट्टियाँ गुजारने के बाद जुमे का दिन आ रहा है। तो इस तरह से 9 छुट्टियों के दरमियान जो 2 दिन होंगे, एक पहला दिन और एक छुट्टियों के आखिरी दिन जो होगा, ये 2 छुट्टियां अगर सरकारी मुलाजमीन अपनी कैजुअल लीव ले लेता है तो इस तरह से सरकारी मुलाजमीन इस दफ़ा 9 छुट्टियां हासिल कर सकेंगे। और ये 9 छुट्टियां जो सरकारी मुलाजमीन हासिल करेंगे वो जो अपने जहां पे हेडक्वार्टर्स उसके हैं, जहां पे वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तहसील हैं, तो ये इंजॉय करेंगे 9 छुट्टियाँ, क्योंकि 2 छुट्टियाँ वो उनकी कैजुअल लीव बनती हैं, वो अपनी कैजुअल लीव लेकर 9 छुट्टियों के मज़े ले सकते हैं।